कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर हमारे सामने कोई आया तो मारा जाएगा। अगर उसने हमारे हुक्म की तामील नहीं की तो फिर उस्मान का सर तन से जुदा करना हलाल है। क्या तुम अकेले ही उस्मान का सामना करोगे? सरदार, शहजादी का क्या होगा? कब तक उसे नजरबंद रखेंगे? उस शहजादी की अब बारी आएगी। वो ताजुद्दीन नौयान के हाथ लगकर हमारे लिए जासूसी करके हमें खबरें भेजेगी, और हमने उससे जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। उस्मान सरदार, अगर आपके मंसूबों की बातें और शहजादी और जासूसी की बातें हो गई हों तो मेरे खानदान को बचाने की भी बात कर लें, मेहरबानी होगी, क्योंकि आपने ताजुद्दीन नौयान का सर कलम करने का जिक्र नहीं किया। देखो बेटी, इस तकलीफ का मुझे अंदाजा है, हाँ, मगर जंग में गुस्से से काम नहीं लिया जाता। हम हर हद तक एहतियात से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब। एल्चिम खातून। उस्मान साहब के सामने हद में रहें। हम यहां आपके खानदान को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। मलहून, अकल के मुताबिक अब तक हर काम सर अंजाम दिया, अब जसारत के अलावा कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। सबको बाखबर कर दिया जाए कि जंग करने का वक्त आ गया है, या तो फना हो जाएंगे या तो अजीम रियासत बनाकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा, यहां कोई नहीं है जो मेरा दुख सुने। एल्चिम, क्या मैं अंदर आ सकती हूं बेटी? जंगी लिबास की वजह से आपकी खूबसूरती का अंदाजा नहीं हुआ, मगर आप काफी खूबसूरत हैं माशाल्लाह। शुक्रिया, मगर मेरी वालिदा कहती थी कि इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। मलहून खातून, मैं अपने खानदान को नहीं बचा सकी, बेबस होकर रह गई हूं मैं। ये वाजे है कि उस्मान सरदार हमारी तरफ नहीं है। आप उस्मान सरदार को नहीं जानती बेटी, उस्मान सरदार बीच रास्ते में किसी को नहीं छोड़ते। बेफिक्र रहिए, वो आपके वालिद और खानदान को जरूर बचा लेंगे। शायद आप मुझे ना समझ पाए मलहून खातून, लेकिन किसी पर भरोसा करना मैंने नहीं सीखा। अपने बाबा के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इन सरहदी इलाकों में आते वक्त मैं भी ऐसे ही थी। मेरे जहन में सिर्फ मेरे वालिद और मेरा कबीला था।
इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आपने इस तरह का लिबास क्यों पहना है और आप क्यों महसूस करती हैं आपको मजबूत रहना होगा, मैं सब जानती हूँ। आप भी एक सरदार की बेटी हैं और अपने वालिद की मीरास की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पर है। मगर ये बात बिल्कुल ना भूलिएगा, आप अकेली नहीं है बेटी, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। मैं नाराज हूं कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर सोचती हूं कि अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती। गुंजा, तुम्हें हक है। काश कि ये सब ना हुआ होता मदरसे वाले। गोंजा रुको जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। बाबा ने हमें यहां छोड़ दिया ताकि सरहदी इलाकों में उस्मान काबिज ना हो जाए। क्या तुम अभी तक उन्हीं? मैं सिर्फ अपने मकसद का सोच रही हूं भाई, अपने काम पर तवज्जो दे। गोंजा भूलो मत, तुम अमानत हो मेरी। खबरदार अगर अलाउद्दीन से मिलने की कोशिश की तुमने। आप मेरे सरपरस्त नहीं है भाई, आप और मैं अपने अपने फर्ज सर अंजाम देंगे बस। मेरा सिर्फ एक ही फर्ज है अलाउद्दीन, खबरदार जो उसके बारे में सोचा, वरना मैं तुम्हें उसके साथ ही मार डालूंगा। मार देंगे मुझे, ऐसा ही है तो ठीक है, मार दे मुझे, मारिए ना, देख क्या रहे हैं भाई, मारिए ना मुझे। इंतजार किस बात का है आपको? रुक जाओ, मारिए ना, जान छूट जाएगी आप लोगों की। ये क्या कर रही हो तुम? होश में आ जाओ। मरे हुए शख्स को नहीं मार सकते, पहले ही मर चुकी हूं मैं, भूल गए क्या? कैसे भूल सकते हैं आप भाई, सारी दुनिया नहीं भूली, आप कैसे भूल गए? मैं याकूब सरदार की बेटी गोंजा, मैं एक जासूस हूं, ये कैसे भूल गए? होश में आओ गोंजा, ये कोई नहीं भूल सकता, आप कैसे भूल गए? हो क्या गया है तुम्हें? किस तरह की हरकतें हैं ये? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं मचा आ जाओ जयर कोता है। ताजुद्दीन नोयान आया है। वो क्यों आया है यहां? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा। ताजुद्दीन नौयान के इरादे ठीक नहीं लग रहे, मोहतात रहे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया बाबा। गाजी, खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या हुआ है तुम्हें? बाबा के बारे में सोच रहे हो क्या?
उस्मान सरदार, अभी मैं खुश ही था कि मुझे मेरे बाबा वापस मिल गए, लेकिन हम फिर से जुदा हो गए। देखो बेटा, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हरगिज फिक्र मत करना, काम खत्म करके आ जाएंगे। मेरा वतन बस सलामत रहे, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा। वालिदा, सब ठीक तो है? आप परेशान लग रही हैं, ऐसा क्यों? अगर ताजुद्दीन नोयान वाले मसले का सोच रही हैं तो परेशान ना हो, उसे हल कर लेंगे इंशाल्लाह। या फिर कोई और बात है मलहून वालिदा? जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कह दूं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल इजाजत है। मेरे बच्चों, मैंने ख्वाब देखा है। खैर तो है वालिदा? वो मैंने ख्वाब में एहराम पहने देखा। हज पर जा रही थी। मेरे बच्चों, मैं हज पर जा रही हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। आपने यहां आकर इज्जत बख्शी है मुझे। सुना है याकूब सरदार, अपने बच्चों को बाजार सुपुर्द करके कुताहिया चले गए हैं। ये बाजार बिलाखिर अल्हाने रियासत का है, मेरा है, ताजुद्दीन नोयान का। अहवाल मैं खुद सुनना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया तो इसी वजह से बाप को राहत मिली। मेरे बाबा किसी जरूरी काम की वजह से हमें यहां बाजार छोड़कर गए हैं। क्या ये वाहिद चीज है ताजुद्दीन नोयान जो आपको यहां तक खींच ले आई? आप कहीं गोंचा खातून तो नहीं? ठीक कहा आपने, मेरी यहां आने की वजह सिर्फ यही नहीं है। अगर याकूब सरदार यहां नहीं है तो उनका बेटा तो है, और मैं इसी से बात करना चाहूंगा, सिर्फ इसके साथ। आप लोग बाहर जाइए। तुम भी गूंज जाओ। आखिर हमारा मकसद एक ही है मेहमद सरदार,
अलजियोतु खान का भतीजा मुझसे क्या बात करना चाहता है? दुश्मन के बारे में नहीं समझे काई का सरदार उस्मान? वालिदा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह मेरी रवानगी होगी। वालिदा, वालिदा इतनी जल्दी किस लिए? मैं भी साथ चलूंगी। हाँ वालिदा, आप जानती हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके साथ जाऊंगी। सुनो जरा, कहीं नहीं जा सकती तुम फातिमा, यहीं रहोगी ठीक है? जहां मैं होऊंगा तुम वहीं रहोगी। अल्लाह आपके रास्ते रोशन करे वालिदा, उस मुबारक मुल्क में हमारा सलाम जरूर पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह मेरे बेटे, इंशाल्लाह। इस मुश्किल वक्त में मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये ख्वाब बार बार आया है मुझे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है मलहून, ये जगह हमारी हिफाजत में है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम यहां मौजूद हैं वालिदा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ मगर सबको छोड़कर जाना मेरे लिए तकलीफ देह है। काफी बार सोचा कि ना जाऊं मगर बुलावा आ चुका है। परेशान मत हो, दुआओं में हमेशा तुम हमारे साथ रहोगी। आपकी राह आसान हो मलहून खातून, चूंकि आपका रास्ता बहुत तवील है इसलिए आपको तबीब की जरूरत पड़ेगी। तो आप शहजादा अलाउद्दीन को साथ ले जाइए। गाजी, आप ये मलहून खातून के लिए चाहते हैं या फिर अपने लिए? अपने लिए ऐसा क्यों चाहूंगा मैं, मुझे तो मलहून खातून की फिक्र है। और इसके अलावा शहजादा हाजी भी बन जाएंगे। सरदार, क्या आप इन्हें जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन पर बड़ी जिम्मेदारी है, कह नहीं जा सकता अभी। हाँ तुम जा सकते हो वैसे। नहीं, मेरा फर्ज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, आप जानते तो हैं। इजाजत दीजिए सरदार। जरा देखो इसे। वालिदा, मैं बहुत याद करूंगी आपको। मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी, बहुत याद करूंगी तुम्हें। मुझे आप सब बेहद याद आएंगे। जाहिर है कि ये कुछ नहीं करने वाले मेरे लिए, मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा। मैं आपके लिए खाना लाई हूं एलचम खातून, तशरीफ रखें। शुक्रिया, आप खाना रख दीजिए, मैं खा लूंगी। आप तलवार लिए रात के इस वक्त कहां जा रही हैं? इसके लिए माफ करना मुझे।
नफरत इस दुनिया का सबसे सच्चा एहसास है, मालूम है तुम्हें? और ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि मोहब्बत जैसा कोई फरेब नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें एहतराम नहीं होता। लेकिन जब मैं उस्मान का नाम लेता हूं तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। बात की तरफ आइए ताजुद्दीन नोयान। हाँ, अब जो कहा जाए गौर से सुनो। जानता हूं तुम्हें खौफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहादुर हो मेहमद सरदार, अपने बाप की तरह हो, इसलिए तुम उस्मान को शिकस्त नहीं दे सके, क्योंकि वो बहादुर नहीं। अपनी बात जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। याकूब सरदार उस ना झुकने वाले सर को नहीं काट सके, बिलाखिर उससे हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उस्मान ने तुम्हारे बाप की मेहरबानियों का गलत फायदा उठाया। अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह हमें मुनाफिक लोगों से दूर रखे। लेकिन तुम अपने बाप से मुख्तलिफ हो, तुम काटोगे उसकी गर्दन। उस्मान ऐसा शख्स है जो अपने ख्वाबों के लिए लोगों को मुसीबत में डाल देता है, लेकिन अब वो तुम्हें ललकार रहा है। गोया ये काफी नहीं कि हम सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं अपने वालिद जैसा नहीं हूं, शायद वो ये नहीं जानता। ठीक कहा तुमने, हम अनकरीब शोहरत और गनीमत की जंग में लग जाएंगे, और इस जंग में तुम मुझे जंगजू सिपाही मुहैया करोगे। लेकिन मैं जानता हूं बाबा मुतमईन नहीं होंगे। तो फिर तुम एक बुजदिल कहलाओगे मेहमद। याद रखना होगा तुम्हें, और जानना होगा तुम्हारा बाप कोताहिया क्यों चले गए अपनी जमीन को छोड़कर। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम किसको ललकार रहे हो। लेकिन हमने इनकार नहीं किया अभी तक। तुम्हारा मकसद यह है अपने बाप को राजी करो, और मैं उस्मान के खिलाफ जंग में तुम्हारा साथ दूंगा, हत्ता के तुम्हारे लिए वो कलाई भी तोड़ दूंगा। हमारे इरादे मुत्तफिक हैं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और तुम मुझे सवाल का जवाब दोगे। क्या तुम ही थे वो जिसने बाबा पर हमला किया? देखो मेहमत, ये मेरी खानदानी अंगूठी है। मेरे एक पैगाम भिजवाने पर अल्हानी रियासत के सिपाही यहां पहुंच जाएंगे, 1,00,000 या फिर उससे कई ज्यादा। तो फिर मैं तुम्हारे बाप के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाऊंगा? इतनी ताकत होने के बावजूद मजाक मत समझो मेहमत। मैंने सवाल पूछा, जवाब मिल गया। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सारी जमीनें दे दूंगा। हम ये काम तुम्हारे साथ मिलकर अंजाम देंगे, क्या कहते हो?
एलचिम खातून भाग रही है। इसे सुकून नहीं आएगा बिल्कुल। सिपाहियों हर तरफ फैल जाओ जल्दी। खातून रुक जाओ, कोशिश बेकार जाएगी तुम्हारी। खैर तो है खातून, जा रही है बताया नहीं। रुक जाओ कहा था मैंने, सुनाई नहीं दिया था। और हान साहब कहिए। रास्ते से हट जाइए, अपने बाबा के पास जा रही हूं मैं। या अल्लाह मुझे सबर दे। एलचिम खातून कहा ना मैंने कि आप कहीं नहीं जा रही अभी, चले जाए अंदर। अगर जरूरत पड़ी तो ये सारी दीवारें गिरा दूंगी लेकिन रुकूंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। ख्वाब देखना अच्छी बात है। आप मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। और हां साहब बात सुनिए, एलचिम खातून को कमरे में ले जाइए, शायद रास्ता भटक गई है। छोड़ो छोड़ो मुझे, आप मुझे इन चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। क्या वो तकफर आए जिन्होंने हमारी इज्जत को पांव तले रौंदा? आए हैं जो उस्मान को महसूल भेजने वाले थे उस बारे में बात करने आए हैं। बेबस, इनके होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत, ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। लेकिन मैं इन्हें खत्म करने आया हूं। मलहून, मैं जानता हूं तुम जाना चाहती हो लेकिन अभी तुम हज पर नहीं जाओगी। हर किसी को यही लगे कि हज के रास्ते में हो तुम कहीं, लेकिन तुर्कमान सरदारों के पास जाओगे, उन्हें मेरा साथ देने पर कायल करोगे, उनमें जिहाद की आग जो बुझने वाली है उसे भड़काओगी फिर से। और हां, रियासत की वालिदा को सामने देखकर वो जान जाएंगे किस कदर संजीदगी है। मैं वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगे जनाब, मगर छुपकर जाने की क्या जरूरत है? खुफिया रखने इस फरीजे को जरूरत है इस वक्त की, किसी किस्म के खतरे में तुम्हें नहीं डालना चाहता। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सफर की तैयारियां मुकम्मल है सरदार। कोनूर वहां साथ जाएगा। कोनूर, मलहून खातून तुम्हारी हिफाजत में है। कोई कबीला ऐसा नहीं होगा जहां आप लोग ना जाएं। आपका हुक्म सर आंखों पर, जिनका दिल तुर्कों के लिए धड़कता है वो हमारा साथ जरूर देंगे सरदार। ये सारा काम मुकम्मल हो जाने के बाद ना ताजुद्दीन नौयान और ना ही कोई रोम का जल्लाद हमारे सामने खड़ा हो सकेगा। हमारे रास्ते बहुत रोशन है जनाब, हज के सफर को फिलहाल मुलतवी कर देते हैं। अल्लाह के कलाम की सरबुलंदी के लिए इस फरीजे को पूरा करना होगा इंशाल्लाह। हम मुत्तहिद हुए बगैर मजबूत नहीं हो सकते। हम पहले मजबूत होंगे और उसके बाद वो रियासत बनाएंगे जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर होगी। ये सफर मुबारक हो। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह। 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 उस्मान को महसूल भेजना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। और हमने ताजिरों की रकम भी जब्त कर ली है जिससे अवाम परेशान है। और हम उस मकाम पर खड़े हैं कि हम महसूल अदा नहीं कर सकते। तो फिर ना अदा करें महसूल। करना होगा, आप उसे नहीं जानती। ये सोना उस्मान को हमारे कलों की दीवारों तक पहुंचने से रोकता है। फजूल बात है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सोने के सिक्कों से उस्मान को रोक सकते हो? तुम सिर्फ उसका साथ दोगे। Thank you.
इमरान तेकिन, रोम का जलाद। तुम सबको बाजंतीन का भेड़ समझा जाता है। आपने इन बुजदिलों को किस तरह से बर्दाश्त किया हुआ है? तुम यहां आकर मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम कहीं वही तो नहीं जिसने उस्मान के सामने हथियार डाले? अगर शहंशाह ने हमारा साथ दिया होता तो हम ये हरगिज ना करते। उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। क्या शहंशाह इतना नाहेल है कि उसने तुम्हें भेजा? उस्मान को सोने के कितने सिक्के दिए? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम कौन हो जो मुझसे एहतसाब लेने की कोशिश कर रहे हो? इससे बेहतर है मैं जान दे दूं। हाँ, दे दो फिर। तू कबूल हुई।